देखते हैं रॉकेट बनती है नहीं बनती, जितनी भी वीडियो देखी थी वो सच ही या झूठी। यह है RTR अपाचे 160 की क्लच प्लेट है ना, बाइक जो है ना फुल पावर रेडी हो चुकी है। तो हे गाइस बैक टू बैक न्यू वीडियो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हीरो होंडा की स्प्लेंडर 2010 मॉडल है। मैंने जो था ना काफी सारी वीडियो देखी थी उसमें क्या था ना अपाचे 160 की क्लच प्लेट डाल रहे थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी बाइक में एक बार चेक करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो चलो फटाफट से डालते हैं और देखते हैं, बताते हैं अगर रॉकेट की तरह पिकअप आ जाता है। तो मेरे पास जो है ना सेकंड हैंड क्लच प्लेट रखी थी वो डालेंगे, तो मैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है RTR अपाचे 160 की क्लच प्लेट, तो इसको जो है ना हम डालने वाले अपनी बाइक के अंदर और बाइक को क्या है ना रॉकेट बनाने वाले भाई रॉकेट। तो चलो फटाफट से डालते हैं और देखते हैं रॉकेट बनती है नहीं बनती, या झूठ बोलते हैं कैसे पिकअप पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो चलो वीडियो देखते हैं सच है या झूठ है, बाकी तो बाइक को चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो फटाफट से करते हैं फिट, मैंने जो था ना पहले ही खोल लिया था तो फिट करते हैं इसको। तो गाइस क्लच प्लेट के साथ जो है ना हम प्रेशर ब्लेड भी डाल रहे हैं, पहले प्रेशर ब्लेड भी जेन्युइन है, तो चलो फटाफट से डालते हैं, रॉकेट बनाते हैं भाई लोग रॉकेट। तो फ्रेंड अब क्या हम इसमें क्लच प्लेट फिट करते हैं, तो एक बार पास में लेना दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने डालनी है क्लच प्लेट, असेंबली तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तैयार हो गई है, अब हम इसको फिट करते हैं। चलो फटाफट से फिट करते हैं, ये इस तरीके से रखते हैं। बाइक जो है ना फुल पावर रेडी हो चुकी है, तो अब बारी इसकी टेस्ट ड्राइव लेने की। फटाफट से यार टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं रॉकेट बनती है नहीं बनती, जितनी भी वीडियो देखी थी वो सच ही या झूठी। तो मैंने इसी मारा एक्सपेरिमेंट करा था, चलो फटाफट से रैंप पे से बाइक उतारते हैं और फिर इसकी लेते हैं भाई टेस्ट ड्राइव। भाई के रॉकेट बन जा और ये बन जा वो बन जा सारी झूठ है, जो इसकी क्लच प्लेट आती है वही अच्छे से बैठती है और उसी में ही पिकअप खतरनाक बनता है। ये जो अपाचे 160 की डाल दी ना क्लच प्लेट और कोई पिकअप नहीं, और उससे ज़्यादा वो डाउन हो गया। ये जितनी भी वीडियो देखी वो सारी फेक वीडियो थी, तो जितनी भी वीडियो देखी ना मैंने कि भाई अपाचे 160 की क्लच प्लेट डालने से स्प्लेंडर रॉकेट बन जाती है, वो बन जाती है, ये बन जाती है, सब बेकार है, सब झूठ है। और मैंने इसमें डाली, मैं पछता रही हूँ, मैं इससे बढ़िया तो मेरी जो पहले क्लच प्लेट डल रही थी ना उसका पिकअप बेस्ट था। तो भाई कोई नहीं, और जो कहते हैं ना कि पिकअप भाई सीसी के हिसाब से फ़र्क पड़ता है, उसके हिसाब से क्लच प्लेट के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब वीडियो फेक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर दें, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। मीन में तो मज़ा नहीं आया इस एक्सपेरिमेंट में, रोकेट वोकेट कुछ नहीं और घटिया और चल दिया उससे, तो बस कुछ नहीं। मिलते हैं किसी मस्त वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।